अस्सलाम वालेकुम। नाजिया फूड एंड स्टडी ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी, बहुत ही अच्छी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों की जान होती है और सभी लोग बनाते होंगे। तो देखिए हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे मूँगफली की गजक, यानी कि मूँगफली की चक्की भी बोलते हैं इसको। तो ये हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं मूँगफली की चिक्की, मूँगफली की गजक। तो गजक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल मैंने मूँगफली ली है। तो इनको हम रोस्ट करेंगे 5 से 7 मिनट तक। इनको हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा और ये सिक भी जाएंगी अच्छे से। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें सेकना है। और जब मूंगफली सिक जाएंगी तो इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो देखिए हमारी मूंगफली सिक चुकी हैं। तो अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी। तो ठंडा करने के लिए मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे और मूंगफली को हम 2-2 टुकड़ों में कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों से मसलकर हम इनके छिलके हटा लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी मूंगफलियों के छिलके हट चुके हैं। और इस तरह से मैंने मूंगफली को 2 हिस्सों में कर लिया है, 2-2 टुकड़े कर लिए हैं मूंगफली के। तो अब हम चिक्की बनाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं चाशनी स्टार्ट। तो फिर से मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी लिया है। और घी को थोड़ा सा हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ भी मैंने यहाँ पर 1 बाउल ही लिया है, लगभग 200 ग्राम गुड़ है ये। तो इसको हम चलाते हुए लगातार चलाते रहेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। इसको गुड़ को लगातार चलाकर मेल्ट करेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे हम। तो ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट होने लगा है। और इसको हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। लेकिन इससे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी लिया है थोड़ा सा। इसमें हम थोड़ी सी चाशनी डालकर देखेंगे। तो अभी तक देखिए इसमें अभी तार बन रहा है, तार नहीं बनना चाहिए इसमें, चाशनी में बिल्कुल आवाज़ के साथ टूटनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा 1/2 मिनट के लिए और चला लूँगी। लगातार चलाते रहना है इसको। तो फिर से हम चेक करते हैं। ये बहुत ही सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है चाशनी को चेक करने का। तो हमारी चाशनी परफेक्ट हो चुकी है तैयार। तो देखिए आवाज़ के साथ टूटी भी थी ये। और चाशनी तैयार होने के बाद मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है। और अब हम इसमें जो हमारी मूंगफली है वो ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने, ध्यान रखिएगा। और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे मूँगफली को गुड़ चाशनी के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक सिल्वर फॉइल लिया है, सिल्वर फॉइल पेपर लिया है। इस पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया था। इसको अब हम इस पर फैला देंगे। और पलटे पर भी मैंने ऑयल लगाकर करा है। अब बेलन पर भी मैं ऑयल लगाकर इसको बेल लूँगी थोड़ा सा हल्का हल्का, ताकि प्लेन हो जाए। आहिस्ता से करना है हमें ये काम, क्योंकि अभी गर्म है तो टूटने का डर रहता है। अब हल्की गुनगुनी है, उसी टाइम पे हम इसके पीस भी कट कर लेंगे, क्योंकि फिर बाद में जब ये सूख जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, तो फिर ये कटेगी नहीं।
इसलिए इसी टाइम पे हम इसके पीस कट कर लेंगे। तो लीजिए देखिए हमारे पीसेज मैंने कट कर लिए हैं और मैंने प्लेट में रख भी दिए हैं। तो देखिए हमारी मूंगफली की चिक्की, मूंगफली की गजक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।